कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यही एक विचार था कि पथ्यम आयुर्वेदा जो है एस्ट्रोलॉजी और साथ में वेद दोनों को जोड़ के साथ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंट दर पेशेंट हमने ठीक करे, मेडिसिन पंचकर्म एंड योगा ये सब चीजें, मंत्र काउंसलिंग, मानस चिकित्सा जो है वो करते हैं। हमने जब से पथ्यम आयुर्वेद स्टार्ट किया है हमारी यही कोशिश रही है कि हमारे यहाँ पे जो भी पेशेंट आ रहा है वो कॉस्ट की वजह से वापस ना जाए। सी आयुर्वेद इज मदर ऑफ ऑल हीलिंग, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आके वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ठीक हो रही हैं। हाँ जी, जैसे मैंने बताया कि जब हम खाली आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमारे पास सक्सेस रेट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा से होने वाले इलाज के बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। क्या आप भी वर्षों से बीमारियों से घिरे हैं? क्या आप भी वर्षों से दवाइयां लेकर थक चुके हैं? क्या आप भी सभी पैथियों में इलाज लेकर हार चुके हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे नक्षत्रों के बिगड़े होने के कारण आपको नहीं मिल रही राहत। इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्र का आपके जीवन में महत्व क्या है। आयुर्वेद जिसकी जननी खुद भारत है और जिसको हर पद्धति से ऊपर माना जाता है। आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज संभव है, साथ ही ज्योतिष शास्त्र का जन्म भी भारत से ही हुआ। ज्योतिष से हमारे भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में तमाम जानकारियां मिलती हैं। साथ ही ये भी पता चलता है कि आप किसी बीमारी से निजात पा सकते हैं या नहीं। आपके नक्षत्र ग्रह तमाम चीजों का वर्णन कर देते हैं, तो कैसा हो अगर इन दोनों का मिलाव करके आपकी बीमारी पर काम किया जाए। कुछ ऐसा ही ट्रीटमेंट पथ्यम आयुर्वेदा द्वारा किया जा रहा है। ये ट्रीटमेंट कैसे काम करता है ये जानने के लिए नेशनल खबर की संवाददाता प्रज्ञा झा पहुंची, पथ्यम आयुर्वेदा और डॉक्टर श्वेता कौशिक से बात की। जो भी बात हुई उसके लिए पूरी रिपोर्ट जरूर देखें। आयुर्वेद जिसका जन्म भारत में हुआ और एस्ट्रोलॉजी जिसका जन्म मेसोपोटामिया, जो कि हमारे इस पूरे विश्व की सबसे पुरानी और सबसे पहली जो एक ह्यूमन काइंड ढूंढा गया था पूरे विश्व में, वो एक प्रजाति थी और मेसोपोटामिया द्वारा एस्ट्रोलॉजी का निजात किया गया। पहले के वक्त में लोग एस्ट्रोलॉजी पर बहुत विश्वास करते थे और भारत ऐसा देश है जहाँ आज भी एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष शास्त्र जो है उस पर बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता है। हर तरीके की चीज के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने विवाह के लिए, अपने जीवन में सुधार के लिए एस्ट्रोलॉजी पर विश्वास किया जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी दोनों का अगर मेल हो जाए तो आपका स्वास्थ्य कितना ज्यादा बेहतर हो सकता है। और अभी हम मौजूद हैं पथ्यम आयुर्वेदा में और हमारे साथ अभी मौजूद होंगी डॉक्टर श्वेता। डॉक्टर, आपको बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और अभी तक जैसे मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स का इंटरव्यू किया है, बहुत सारे पेशेंट से मिली हूँ, कभी मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं सुना। करेक्ट। अलग अलग पैथियाँ सुनी हैं, मेडिसिन दवाइयाँ, आयुर्वेद, जड़ी बूटियाँ सब सुना है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी नहीं सुना है। इसके बारे में मुझे कुछ बताइए कि क्या है, कहाँ से आया ये? जी, सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, आयुर्वेद जिसका हमने वैदिक नाम रखा है और एस्ट्रोलॉजी विच इज ज्योतिष शास्त्र। ये दोनों कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं मानवता के लिए, ठीक है, कि मैनकाइंड कैसे बेटर हो सकता है, हम कैसे उन्हें सर्व कर सकते हैं कि उनका जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ा सा बेटर हो। आयुर्वेद जाना जाता है कि ना सिर्फ व्यक्ति जो बीमार है वो सही हो, लेकिन जो एक स्वस्थ व्यक्ति है वो अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन कर सकता है उसके लिए भी आयुर्वेद रिस्पॉन्सिबल है। और ये दोनों जो शास्त्र हैं, आयुर्वेद और ज्योतिष, ये दोनों क्योंकि मानवता के लिए काम करते हैं, तो जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे मुझे एहसास हुआ, क्योंकि आयुर्वेद में भी ग्रह चिकित्सा का वर्णन मिलता है, तो उसमें नव ग्रह और उनसे इम्पैक्ट होने वाले जो अलग अलग बॉडी के सिस्टम्स हैं और उनके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, उसका वर्णन हमें मिलता है, तो मुझे वहाँ से स्ट्राइक हुआ कि हम क्यों ना इन दोनों शास्त्र को जोड़ के, जो कि एक ही पार्ट है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी इनकी अलग अलग इम्पोर्टेंस ज़्यादा है,
तो मुझे वहां से थॉट आया कि हमें इनको साथ में रख के शायद काम करना चाहिए, उससे मानवता के लिए और बेहतर हो सकता है। हाँ जी, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यही एक विचार था कि पथ्यम आयुर्वेदा जो है एस्ट्रोलॉजी और साथ में वेद दोनों को जोड़ के साथ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक रीजन है कि एस्ट्रो और वेद ये दोनों चीजें हमने साथ में रखी और हमने जैसे पेशेंट दर पेशेंट हमने ठीक करे और हमें एहसास हुआ कि जो परसेंटेज हमारा कहीं ना कहीं सिर्फ आयुर्वेद चिकित्सा से 60-70 था और वो जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी साथ करी तो वो कहीं ना कहीं बढ़ के 90-95 सक्सेस रेट हुआ। तो पेशेंट दर पेशेंट हम आगे बढ़े और हमने इसको इवॉल्व करा, हमने इसकी डिटेल रिसर्च करी है। सिर्फ मैं अकेली नहीं, मेरी पूरी टीम ने मिलके ये पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे सब लोग इकट्ठे आ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं और उनको इस चीज़ का इलाज मिल सकता है जो कि बेयर मिनिमम कॉस्ट भी आप कह सकते हैं कि बेयर मिनिमम कॉस्ट पे हम पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। तो इलाज के बारे में अब हम आते हैं कि कैसे आप इलाज करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो ये है कि ज्योतिष शास्त्र आ जाता है, ग्रह नक्षत्र ये सारी चीजें देखी जाती है और आयुर्वेद अपने आप में ही एक पैथी है इलाज के लिए। तो कैसे इलाज किया जाता है पथ्यम आयुर्वेदा में? सी, आयुर्वेद इज मदर ऑफ ऑल हीलिंग। हम अलग अलग तरीके से पेशेंट्स को ठीक करते हैं, चाहे उनका लाइफ स्टाइल हो, उनका सुबह से उठना रात तक सोना, ये 24 घंटे का जो प्रॉपर स्केड्यूल है वो अगर आयुर्वेदा लाइफस्टाइल से जिया जाए तो पेशेंट या स्वस्थ व्यक्ति का जो स्पैन है वो बहुत इंक्रीज हो सकता है लाइफ स्पैन। दोनों अपने तरीके से ही ट्रीटमेंट करते हैं। आयुर्वेद का काम है पेशेंट को ठीक करना, उनके सिस्टम को समझना, वात पित्त कफ जो तीन दोष हैं उनके डिसबैलेंस को समझना और फिर उसके बाद उनकी चिकित्सा करना थ्रू मेडिसिन, पंचकर्म एंड योगा, ये सब चीज़ें। आयुर्वेद अपना काम इस तरीके से करता है। जहाँ तक बात है ज्योतिष शास्त्र की तो वहाँ पे बात आती है नवग्रह की कि कौन से हाउस में कौन सा भाव अफेक्ट हो रखा है, कौन सा नक्षत्र उस टाइम पे अफेक्ट हो रखा है और ये हमें सिर्फ इस चीज़ में ही हेल्प नहीं करता कि पेशेंट जो बीमारी हमारे पास लेकर आया है वो उससे ठीक हो, बल्कि इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि वो और डिटीरियोरेट ना हो, जो प्रॉब्लम है उनकी और ज़्यादा वर्स ना हो, ठीक है। और इनके जो कहीं ना कहीं स्पीड है, पेस है बीमारी का, वो हम स्लो डाउन कर पाए विद हेल्प ऑफ आयुर्वेद एंड ज्योतिष शास्त्र। अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो बहुत सारी मान्यताओं, बहुत सारे विश्वासों में बंधा हुआ है और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी इस चीज में काम करती है कि उनके दिमाग में जो भ्रम बैठा हुआ है उसे निकाल देती है। ये आपने बिल्कुल अपने आप में ही शायद क्वेश्चन और आंसर दोनों ही दे दिया है कि एक काउंसलिंग वाला पार्ट जो है एस्ट्रोलॉजी शायद बहुत अच्छे तरीके से करती है। आयुर्वेद में भी एक सत्वाब्ज चिकित्सा का वर्णन मिलता है जहाँ पे हम मंत्र काउंसलिंग, मानस चिकित्सा जो है वो करते हैं। तो ये पार्ट आयुर्वेद के साथ मिलके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है एक पेशेंट के लिए बना पाता है। अच्छा, जैसे अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि कैसे ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके के मरीज जो हैं अधिक यहाँ पर पथ्यम आयुर्वेदा में अभी तक आप मिल चुके हैं, इलाज कर चुके हैं, किस तरीके के मरीज आते हैं? हाँ जी, सी अभी भी हम एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे एक्यूट इलनेसेस के लिए, यानी कि जो बीमारियाँ जस्ट जैसे छोटे मोटे जुकाम बुखार ये सब होता है उसके लिए अभी भी एलोपैथी ही प्रेफर करा जाता है। तो आयुर्वेद में क्रोनिक डिजीजेज ही हमें यूजली हमसे पेशेंट ऐसे मिलते हैं और हमने इस पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म हमने नया तैयार किया है इसमें हमें इनफर्टिलिटी के केसेस बहुत मिले हैं, हमें कैंसर से पीड़ित पेशेंट्स मिले हैं, हमें रीनल डिजीजेज और ऐसी बीमारियां जो कि रेकरेंट है जिनके पेशेंट्स पिछले 10-12 साल से पीड़ित है और वो लगातार दवाइयां खा रहे हैं, उनको फॉर द टाइम बीइंग रिजल्ट मिलता है, देन उसके बाद रेकरेंस रहती है बीमारी की। तो ये सभी इस कैटेगरी के जो पेशेंट्स हैं वो इस पद्धति से बहुत खूबसूरत तरीके से ठीक हो पाए हैं। मतलब जैसे ही कैंसर के मरीज जैसे बढ़ते हैं या IVF जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आके वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ठीक हो रही हैं? हाँ जी, जैसे मैंने बताया कि जब हम खाली आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे थे तो हमारे पास सक्सेस रेट अबाउट 60-70% था, बट सिंस व्हेन वी हैव स्टार्टेड ज्योतिष शास्त्र हमने देखा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जो सक्सेस रेट है ये कहीं ना कहीं 90-95% पहुँचा है, क्योंकि हमें एक डीप एनालिसिस करने को मिलता है थ्रू कुंडली,
जिससे हम ये देख सकते हैं कि पेशेंट या जो हमारे पास व्यक्ति आ रहे हैं उनकी हम डिटेल स्टडी कर पाए, उनके नक्षत्र के भी हिसाब से और उनके दोषों के भी हिसाब से। तो जहाँ सिर्फ एक शास्त्र काम कर रहा है विच इज़ आयुर्वेद, और वहीं पे हमने दो शास्त्र इकट्ठे कर दिए, तो वहाँ पे दो दिमाग लग रहे हैं कहीं ना कहीं, और इसलिए रिजल्ट जो है वो ज़्यादा पेस वाला हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, जैसे ज्योतिषों के बारे में अगर मैं सवाल पूछूं, तो अगर कोई अलग से ज्योतिष के पास जाता है कि मेरी हेल्थ का जो है ये इशू चल रहा है आप देख लीजिए, तो ज्योतिषों का एक बहुत बड़ा हाइप होता है कि आप ये हो गया ये हो गया, आप जैसे दोनों ही चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे सबको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या वो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो सकता है? सी, हमने जब से पथ्यम आयुर्वेद स्टार्ट किया है हमारी यही कोशिश रही है कि हमारे यहाँ पे जो भी पेशेंट आ रहा है वो कॉस्ट की वजह से वापस ना जाए। तो यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एकदम बेयर मिनिमम प्राइस रखा है जो कि एक आम व्यक्ति आराम से अफोर्ड कर सकता है, जिसमें उसे दोनों ही शास्त्र की एडवाइजेज और सजेशंस जो हैं वो मिलते हैं। तो ये बिल्कुल अफोर्डेबल है, और इसमें हम किसी भी तरीके का कोई मतलब आप ये कह सकते हैं हम एकदम ट्रांसपेरेंट है चीज़ों को लेके। यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर है जो अपना काम कर रहा है, एक आयुर्वेदाचार्य है जो अपना काम कर रहा है, यहाँ पे हो ट्रीटमेंट ही रहा है, ठीक है, जिसमें बस ये कि मेडिसिन के साथ साथ उनके दिनचर्या को कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है थ्रू दीज रेमेडीज, वो बस हम एक ऐड कर रहे हैं। अच्छा, बस आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा कि जैसे अभी हम पथ्यम आयुर्वेदा में दिल्ली में मौजूद हैं, हाँ, तो सिर्फ दिल्ली में मरीज तो है नहीं, पूरे भारत में, पैन इंडिया और बाहर भी हैं, तो वो लोग आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से खुद को निजात, मतलब किसी भी बीमारी से निजात दिलाया जा सके, तो कैसे कॉन्टैक्ट कर? तो इसके लिए हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है क्लिनिक का, आप उस पर बात कर सकते हैं, और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी इस चीज़ के लिए रख रहे हैं जिसमें हमारी मंत्र सिद्ध औषधियाँ जो हैं वो पेशेंट तक उनके घर पे भी पहुँच सकती है। ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा पेशेंट टू पेशेंट, उनकी सिवियरिटी, उनकी क्रिटिकल कितने हैं, वो क्लिनिक में कितने टाइम विजिट कर सकते हैं और कितना दूर है, तो ये सब चीज़ें हम एक बार तोल भाव करने के बाद पेशेंट को बता देंगे कि आपको महीने में एक बार आने की ज़रूरत है या नहीं भी है, या हम ऐसे कोई ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं कि जैसे उनके घर के पास कोई पंचकर्म सेंटर हो तो उनके डॉक्टर से हम बात कर लें और वो पंचकर्म वहाँ पर करा सकें, मेडिसिन हमारी चलती रहे, क्योंकि जब तक मेडिसिन की पोटेंसी और वो जो प्रभाव मेडिसिन का है उतना नहीं होगा तो पेशेंट को रिजल्ट नहीं आएगा। और हम यहाँ पे मंत्र सिद्ध औषधियों का ही प्रयोग करते हैं जिससे रिजल्ट की जो कहीं ना कहीं एफिकेसी है वो हमने पेशेंट दर पेशेंट बढ़ते हुए ही देखी है। तो ये थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता इस खास जानकारी के लिए, थैंक यू, यू वेलकम। तो ये थी पूरी जानकारी कि आखिर ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये अपना काम कैसे कर सकती है, और ये जो नई पद्धति आपने शायद पहली बार सुना होगा ऐसा कुछ कि वेद यानी आयुर्वेद और साथ में एस्ट्रोलॉजी दोनों को मिला के आपको जो है इलाज दिया जा रहा है। अब अगर आपने कभी भी पथ्यम आयुर्वेदा से इलाज लिया है अब की प्लीज़ हमें जो रिपोर्ट होगी वो हमें शेयर कीजिए जिससे कि क्या रिजल्ट निकल के आया है वो हमें समझ आएगा, और इस हिसाब से जो दूसरे लोग होंगे, जो दूसरे व्यूअर होंगे, उन लोगों तक भी आपकी बात पहुंचेगी। और ऐसे ही तमाम खबरों साथ में साक्षात्कार के लिए अपना शो खबर के साथ बने रहिए।